और टीवी 9 भारतवर्ष देश का पहला न्यूज चैनल है जो उस जगह पर पहुंचा है जहां पीएम मोदी 21 जून को योग इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं अभी, ये है वो मंच जहां पर इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। ये देखिए 180 देशों के लोग यहां पर होंगे। एक बहुत सलीके से यहां पर पूरी तैयारी चल रही है। ये देखिए लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशंस हैं, 21 जून को एंटरप्रेन्योर्स होंगे यहां पर, एकेडमिक के लोग होंगे, अलग अलग मुल्कों से लोग होंगे और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि अगर बात की जाए इस जगह की तो ये वो जगह है जहाँ पर एक साथ कई मुल्कों के लोग योग करते हुए आपको दिखाई देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने योग के बारे में यूएन एड्रेस में कहा था और उसके बाद ये देखिए अब आप, ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा और इतिहास गवाह बनेगा इस क्षण का और ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जो आपके सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए। और अब हम आपको ये बताते हैं कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से भारत को क्या हासिल होने वाला है। इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच 3 अहम डील संभव हैं। इनमें MQ-9B यहां पर आएगा बिग वॉल पर, MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन डील, फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील और डिफेंस टेलीकॉम और स्पेस मिशन में तकनीक के आदान प्रदान पर समझौता शामिल है। अब आपको बताते हैं कि इन डील्स को बेहद खास क्यों माना जा रहा है। MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन की पहले बात कर लेते हैं। ये वही ड्रोन है जिससे आतंकी अल जवाहिरी मारा गया। अब पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन सब संभव है। एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव, हमला करने सक्षम है। ये दुश्मन को पहचान कर ड्रोन से मिसाइल अटैक भी किया जा सकता है और LAC के पास चीन को भनक लगे बिना भी इस ड्रोन से निगरानी संभव है। साउथ चाइना सी में चीनी घुसपैठ रोकना इस ड्रोन से आसान होगा। अब फाइटर जेट इंजन की बात कर लेते हैं। पहली बार US किसी दूसरे देश के साथ तकनीक शेयर करेगा। फाइटर जेट इंजन से जुड़ी 11 तकनीक शेयर होंगी। स्वदेशी जेट तेजस का इंजन बनाने में इससे मदद मिलेगी। US की तकनीक से इंजन का भारत में निर्माण होगा। स्वदेशी कंपनी HAL को 80% तकनीक ट्रांसफर होगी। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भी कहा कि रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है। रक्षा के क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच में इंडस्ट्रियल सप्लाई लाइन लिंकेजेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम्स हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से भारत US रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े जिससे ना केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं।